गन्नौर विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल त्यागी ने गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांवों में जनसंपर्क करके मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत गांव टेहा और बड़ी से की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनिल त्यागी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी की नीति और नेता कभी देश के लिए एक नहीं हो सकते हैं, इसलिए देश की व्यवस्था और सुशासन के लिए बीजेपी खतरा है। देखे सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। हम गांव-गांव जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, हर कार्यकर्ता हमारे साथ है और चाहते हैं कि वो दुष्यंत जी को वोट दें, उनके विकास कार्यों के लिए वोट दें, और हमारे साथ बहुत संगठन मजबूत खड़ा है और सभी कहते हैं कि सरकार दुष्यंत की बनेगी। देखिए, दुष्यंत जी का मकसद पहले भी यही था कि बेरोजगार को रोजगार देना। 75% नौकरी के लिए उन्होंने बिल पास कराया था, जो किसी वजह से कोर्ट में है वो भी सोल्व हो जाएगा उनके आने से, और शिक्षा के बस में और सड़कों का जो इतना बड़ा जाल उन्होंने बिछाया है आप देख सकते हैं हर जगह से, तो इसलिए सभी विकास की तरह उनको जो है वोट देने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी का तो जनाधार है ही नहीं, आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ बीजेपी की विधायिका थी, आपने शहर में देखे होंगे कैसे गलियाँ जो है तालाब बनी हुई थी, ना ही उन्होंने कोई काम किया ना ही किसी की परवाह की। तो देखना आप, जब सरकार आएगी तो हम कितना विकास करेंगे, गन्नौर के लिए बढ़ चढ़ के हर कार्य को पूरा करेंगे। तो शहर के लिए, शहर के लिए तो मुख्य तो विकास है, जैसे सड़कें पहले जलमग्न नहीं थी, उनको सुधार करवाना, सीवरेज व्यवस्था, स्वच्छ पानी की सप्लाई, और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलाना, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे रहेंगे। आपको पता है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ घोषणा वाली पार्टी बनकर रह गई है, उनके आज तक कोई काम पूरे नहीं हुए, और हम आने वाले टाइम में आएंगे तो स्टेडियम क्या, ई लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शहर के लिए करने के लिए हम तैयार हैं। लोगों से ये अपील करते हैं कि कैंडिडेट को देख के परख के जब आप उनको वोट दें, जो आपके काम करे, आपके साथ रहे, आपका विकास करें।